تفضلوا علي. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفرائض، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسان سے متعلق دو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے لگا دی. یہ دو چیزیں اللہ نے انسان کے ساتھ جو لگائی، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی اور آخرت اور زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ سمجھنے سے ہم رہ گئے تو پھر اور کوئی چیز ہم سمجھ نہیں پائیں گے. اللہ کرے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دل و دماغ تک پہنچا دے، اللہ تبارک تعالیٰ اسی کے مطابق ہمیں زندگی بھی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. بڑی اہم ہیں یہ دو چیزیں. مسئلہ بالکل چھوٹا ہے، یہ انسان ہی نہیں دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یا جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس سے دو چیزیں متعلق ہوتی ہیں. ایک ہے اس چیز کا مقصد. انسان کار لیا ہے تو کار کا مقصد کیا ہے؟ انسان گھر لیا ہے تو گھر کا مقصد کیا ہے؟ انسان دکان لیا ہے تو دکان کا مقصد کیا ہے؟ اور ایک ہیں اس کی ضروریات. کار ہیں، اس کی ضروریات ہیں، جیسے اندر کسی نے اے سی لگا دیا، پنکھا لگا دیا، ہارن لگا دیا، بیٹھنے کے لیے عمدہ سیٹیں لگا دی. دکان کا، کارخانے کا اصل مقصد ہے پیسوں کی آمدنی، کمانا، رشتے حلال کمانا. اب یہ ہے کہ اس میں ڈیکوریشن کر دیا، اپنی آفس الگ بنا دی، کام والے بڑھا دیے، سب کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، یہ اس کی ضروریات اور تقاضے ہیں. ہر چیز میں آپ دیکھیں، آپ پھل لیں تو پھل کا مقصد یہ ہے کہ اس سے وٹامن حاصل کرنا،
उससे लज्जत हासिल करना, ये फल का मकसद है। और उसके जरूरियात और तकाजे ये हैं, वो कम कीमत में मिले, वो देखने में उम्दा लगे, आसानी के साथ घर पहुंच जाए। अल्लाह ने जितनी चीजें दुनिया में पैदा की, ये दो चीजें अल्लाह ने जरूर लगाई, एक उस चीज का मकसद और एक उस चीज से लगी हुई जरूरियात। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, ये दोनों चीजें इंसान के साथ लगी हुई हैं। इंसान की जिंदगी का मकसद है और इंसान की जिंदगी की जरूरियात हैं। ये बात मैंने कहा कि इतनी अहम है कि अगर ये बात हम समझ लेते हैं तो हमें जिंदगी गुजारना, अल्लाह ताला की इबादत करना और गुनाहों से बचना हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होती, कोई मुसीबत नहीं होती। इंसान की जिंदगी का जो असल मकसद है, अल्लाह ताला ने कलाम पाक में बयान फरमाया, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ हमारी इबादत के लिए पैदा किया। ये इंसान और जिन्नात की जिंदगी का मकसद है। और अल्लाह ने इनकी जिंदगी के जो तकाजे लगाए इस इबादत को करने के लिए, इंसान जिंदा रहे बगैर इबादत कैसे करेगा? किसी मुर्दे से कहें आप हज करने के लिए, हज करेगा? किसी मौता से कहें आप तहज्जुद पढ़ने के लिए, तहज्जुद पढ़ेगा? वो इंसान जिंदा रहेगा तो मकसद जिंदगी को पूरा करेगा, और जिंदा रहने के लिए जरूरियात जिंदगी को अपनाना जरूरी है, उसको छोड़ना शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। इसीलिए हदीस पाक में कहा गया, तलबुल हलाली फरीजतुम बादल फराइज, जैसे नमाज एक इबादत है, रोजा एक इबादत है, उस इबादत को करने के लिए जिंदगी जरूरी और जिंदगी को सहारा देने के लिए कमाई जरूरी, तो लिहाजा कमाई भी एक इबादत है। इसीलिए हदीस पाक में कहा गया, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं है। कलाम पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व रहबानियत इब्तदाउहा मा कतबनाहा अलैहिम, पिछली कौमों में से बाद कौमों ने रहबानियत यानी अल्लाह और उसके रसूल के लिए और आखिरत की जिंदगी के लिए दुनिया को तर्क कर दिया था, दुनिया को छोड़ दिया था। न शादी करते थे, न औलाद पैदा करते थे, न कारोबार करते थे, चले गए जंगलों में। भाई हमारी जिंदगी का मकसद है अल्लाह की इबादत करना, और ये दुनिया हमें अल्लाह की इबादत से गाफिल कर रही है। इसलिए पिछली कौमों में से बाद लोगों ने रहबानियत को अपना लिया। हजरत सहाबा इकराम ने भी इसकी इजाजत मांगी, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इजाजत दें, ये दुनिया हमें अल्लाह की इबादत से रोक रही है, आप इजाजत दें। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम शादी करते हैं, इसी समाज में, इसी सोसाइटी में और इसी माशरे में रहते हैं, और यही रहकर अल्लाह की इबादत करना इबादत है। कटकर जंगल में चला जाना, दरख्त से उल्टा लटक जाना, गारों के अंदर जाकर बैठ जाना, पहाड़ों में जाकर गोशा नशीनी इख्तियार कर लेना, ये कोई कमाल की बात नहीं। ला रहबानियत फिल इस्लाम, तो लिहाजा इंसान की जरूरियात हैं। इसीलिए तो हदीस पाक में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, التاجر الصدوق مع الصدیقین والشهداء والصالحین, जो सच्चा ताजिर तिजारत करने वाला है, हलाल हराम की रोजी का फर्क करने वाला है। बाद रिवायतों में आता है कि कयामत के दिन जब उठेगा नबियों के साथ उठेगा, बाद रिवायतों में आता है सिद्दीकीन के साथ, शहीदों के साथ और सालिहीन के साथ उठेगा। कारोबार आदमी करता है बीवी को पालने के लिए और बच्चों को पालने के लिए और अपनी दुनिया को संभालने के लिए, और अपनी दुनिया को संभाला तो कौन सा इसने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, कौन सा इसने काबतुल्लाह की तामीर कर डाली,
और कौन सा इसने मस्जिदों को बना दिया। लेकिन हदीस पाक में कहा गया कि अगर तिजारत उसूलों के मुताबिक की जाए, अमानत के साथ की जाए, दियानतदारी के साथ की जाए, झूठ ना हो, खियानत ना हो, मिलावट ना हो, धोखा ना हो, फ्रेब ना हो, मक्कारी ना हो, अय्यारी ना हो, ऐसा ताजिर कियामत के दिन नबियों के साथ उठेगा। अगर ये इबादत ना होती तो अल्लाह तबारक ताला ये क्यों कहते जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के जरिए से। रिश्ते हलाल एक इबादत है, नमाज की तरह, रोजे की तरह। तो एक इंसान की जरूरियात हैं, वो जरूरियात को अपनाना जरूरी है। बीवी को नान नफका देना फर्ज है, नमाज फर्ज की तरह, हज बैतुल्लाह के फर्ज की तरह, रमजान मुबारक के रोजों की तरह फर्ज है। बीवी को नान नफका देना, बीवी को सुकूनत देना, एक मकान देना, ले जाकर उसको बेसहारा छोड़ दिया, निवाले निवाले का मोहताज बना रहे हैं और माँ बाप के यहाँ छोड़ दिया और पूछ कर ही नहीं देखना। ईद बारात आई तो कपड़ों के लिए और ईद की खुशियों के लिए ससुराल से तकाजा हो रहा है, हर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद रकमें मंगाई जा रही हैं कि जो है घर की बिजली कट गई है, घर की जरूरियात के अंदर तकाजे बढ़ रहे हैं। इसकी शरीयत में बिल्कुल इजाजत नहीं है कि मर्द गैरों का मोहताज बने। इसने शादी की है, बीवी को पालना पड़ेगा, नान नफका वाजिब है। उलमा ने कहा अगर दम है तो निकाह कर, अगर दम है तुझे बीवी बच्चों को पालने का, पालने वाली जात अल्लाह है, लेकिन दुनिया दारुल अजवाब है। यहाँ अल्लाह तबारक ताला किसी को किसी के जरिए से रोजी देते हैं। अगर तुझ में दम है, ताकत है बीवी को पालने की, औलाद को पालने की, तो निकाह कर। निकाह के शराइत में से बीवी को नान नफका देना, औलाद की परवरिश की जिम्मेदारी उठाना, ये निकाह के शराइत में से है। और हदीस पाक में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज, तुमने का कोई आदमी अगर निकाह करने की ताकत रखता है, अगर वो अपनी ख्वाहिशात को हराम की तरफ लगाता है और हराम से बचना चाहता है, हलाल जो है ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, फलयतज़व्वज, वो चाहिए कि वो निकाह करे। फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल्बसर व अहसनु लिल्फ़रज, आपने फरमाया कि वो निगाहों को पस्त करने वाली और शर्मगाह की हिफाजत करने वाली है। ये निकाह के जरिए से ईमान की हिफाजत होती है, आंखों की हिफाजत होती है और शर्मगाह की हिफाजत होती है। और फरमाया कि जो तुम में से ताकत ना रखे, ताकत ना रखे यानी यही तो ख्वाहिशात, जिना कर सकता है, बदकारी कर सकता है, अगर निकाह ना करे, और निकाह करे जोड़े के रकम के बगैर और जहेज के रकम के बगैर, बीवी को ससुराल में छोड़े बगैर गुजारा नहीं हो सकता। एक नंबर का भीख मंगा है, इंटरनेशनल फकीर है, और एक नंबर का भिखारी है, और वो समझता है कि बीवी को निकाह में लाने के बाद वो उसके अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उलमा ने किताबों में लिखा है सास बहू के झगड़े चल रहे हैं, हराए तो सास बहू का झगड़ा फितरी बात है, इस झगड़े को कोई नहीं मिटा सकता, सौकतों का झगड़ा ये फितरी बात है, इस झगड़े को कोई खत्म नहीं कर सकता। और मियां साहब कमाने के लिए गए और जब घर के अंदर आए तो देखा कि माँ कुछ गा रही है और बेगम कुछ गा रही है, और दोनों के गाने में जमीन आसमान का फर्क है। माँ कुछ और शिकायतें करती है और बीवी कुछ और शिकायतें करती है। अब ये इधर की ईरे कान से सुनता है और बेगम की वो कान से सुनता है, और इतने झगड़े, बीवी दुबली पतली हो रही है और टेंशन से बीमारियां आ रही है। फुकहा ने किताबों में लिखा है मर्द के लिए लाजिम है कि जिस घर के अंदर सास बहू का झगड़ा होता हो और ननद और भावच के झगड़े होते हो, उसको अलग से सुकूनत दे, अलग से ठिकाना दे, अलग से उसे झोपड़ी लेकर दे, अलग से उसको मकान लेकर दे। ये मर्द की जिम्मेदारी है। यहाँ ये बात नहीं आएगी
मेरी माँ को छोड़कर चले जाएगी, मेरी माँ को कौन देखेगा, मेरी माँ के कपड़े कौन धोएगा, मेरी माँ की खिदमत कौन करेगा, मेरा बूढ़ा बाप पाखाना कर लेता है कपड़ों में, उन कपड़ों को कौन साफ करेगा। माँ बाप ने तुझे पैदा किया है या बहू को पैदा किया है? कलाम पाक में अल्लाह तबारक ताला ने माँ बाप की इताअत करने का हुक्म दिया है या सास ससुर की इताअत करने का हुक्म दिया है? कलाम पाक में अल्लाह ने कहा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह वबिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की तुम इबादत करो और माँ बाप के साथ उसने सलूक करो। ये माँ हमारी है, ये बाप हमारा है, हम खिदमत करेंगे, बहू के लिए लाजिम नहीं। अगर बहू इनकार करती है ये अखलाकी एतबार से, अगर बहू सास को माँ समझती है और वो खुसर को बाप के दाखिल समझती है और खिदमत करती है, ये उसका एहसान है, लेकिन बहू के फराइज में नहीं है कि ऐसे घर में कि जहाँ बहू और सास के आए दिन झगड़े होते रहते हों, जहाँ औरत के खुदकशी करने के अंदेशे हों, खुद को जला लेने के, खुद को कुएं में डुबो लेने के और खुद के जो है आग लगा लेने के अंदेशे हों और आए दिन उसकी तबीयत बिगड़ती रहती हो, गालियाँ सुनने की वजह से, ताने सुनने की वजह से, वो आई और बहन उसने एक ताना मारा, वो रिश्तेदार आई आए और उन्होंने एक ताना मारा, मर्द पर लाजिम है कि इस औरत को माँ बाप के घर से अलग रखे। ये कोई अखलाक नहीं, ये कोई दीन नहीं कि जहाँ सुलग रही है आप उस सुलगते हुए चोलों के अंदर आप अपनी बेगम को रखें। ये कोई शरीयत का हुक्म नहीं है और ये कोई माँ बाप की नाफरमानी नहीं होगी कि अगर आप अपनी बेगम को इन सुलगते हुए अंगारों से निकाल कर उसको अलग सुकून देते हैं और उसको अलग ठिकाना देते हैं। औरत का ये हक है कि मर्द उसको ठिकाना दे, मर्द उसको खाना पीना दे, मर्द उसको शर्मगा सत्र औरत छुपाने के लिए निवास दे। ये तीन चीजें मर्द के लिए लाजिम है। अगर वो उसकी ताकत रखता है, अगर वो उसकी कुव्वत रखता है, अगर उसमें दम नहीं है, बाप का बनाया हुआ घर है और उसको ये यकीन है कि मेरे निकाह के कर लाने के बाद इस माँ ने पहले बहुओं पर जुल्म किया, सितम किया, अपनी आदत से मजबूर, अगर मैं निकाह करके लाऊंगा मेरी बीवी के साथ भी ये जुल्म करेगी, सितम करेगी, तो जायज नहीं है जब तक के अपनी अलग झोपड़ी का इस्तेमाल ना जो है वो बंदोबस्त ना करे, इंतजाम ना करे, उसी घर में बाप के दिए हुए भीख के घर में लाकर बहू को आग के अंदर जलाना और सुलगाना शरीयत की बिल्कुल जो है इजाजत नहीं है। माँ की खिदमत आप करें, पाखाना आप उठाएं, पैर आप दबाएं, कपड़े आप धुले, माँ वो आपकी है, बाप वो आपका है, बहू के लिए कोई लाजिम नहीं है, बहू को किसी और माँ ने जन्म दिया है, अगर वो सास ससुर की खिदमत करते हैं वो एहसान है, लेकिन शरीयत की तरफ से पाबंदी और लाजिम नहीं है। तो अगर कोई निकाह करने की ताकत नहीं रखता और जिना करने के आसार उसके अंदर मौजूद हैं, तो क्या बाप के भीख के मकान में रहेगा या ससुराल के अंदर घर जवई बनकर घर दामाद बनकर रहेगा? शरीयत ने कहा तू निकाह नहीं करेगा, एक औरत पर जुल्म नहीं करेगा और उससे पैदा होने वाली औलाद पर जुल्म सितम नहीं करेगा, बल्कि तुझे चाहिए कि तू रोजा रखकर अपनी ताकत को तोड़े। इंसान रोजा रखे फलियतुम, चाहिए कि वो रोजा रखे, इसलिए कि रोजा रखने से उसकी ख्वाहिशात टूट जाती हैं। आदमी को भूख सता रही हो, आदमी को प्यास सता रही हो, वो लड़कियों को देखेगा, उसे जिना करने की तबीयत आएगी, तो रोजे की वजह से इंसान की ख्वाहिशात मर जाती हैं और इंसान की तबीयत मर जाती है। शरीयत ने ये नहीं कहा कि ठीक है तुम जो है निकाह कर लो, हम जो है मालिक हैं, हम कीड़ों को भी पालते हैं, हम समंदर की मखलूक को भी पालते हैं, हम फिजा के परिंदों को भी पालते हैं, हम एक इतनी बड़ी मछली को पालते हैं कि वो सारे इंसानों की गिजा एक लुकमा बनाकर हजम कर लेती है, लिहाजा तुम मुझ पर तवक्कुल करो और मुझ पर भरोसा करो। ऐसी जो है शरीयत इजाजत नहीं देती। शरीयत ये कहती है ऊन को पहले बांधो, बाद अल्लाह पर भरोसा करो। समझ गए? ऊन को आपने खुला रख दिया, गाड़ी को आपने लॉक नहीं किया, कारखाने को आपने डोर लॉक नहीं डाला, प्याज बाग को आपने बंद नहीं किया,
अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर भरोसा। तो शादी किए बगैर मस्जिद में बैठ जाओ, अल्लाह ताला जो है औलाद दे देगा। खेती बाड़ी किए बगैर और दुकान खोले बगैर मस्जिद के अंदर बैठ जाओ, अल्लाह ताला जो है रोजी दे देगा। तो जैसे ही मामला आपके अंदर आप अजबाब को इख्तियार करते हैं, पहले अजबाब और बाद में तवक्कुल है। तवक्कुल और अजबाब दोनों को मिलाकर करने का नाम ईमान है और इस्लाम है। इस्लाम के अंदर रहबानियत की इजाजत नहीं है। इसलिए शरीयत मुतहरा ने इंसानों को कहा है कि वो जरूरिया की जो जिंदगी है वो उनको अपनाएं। अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से। ये भीख लेने वाला जो हाथ है, ये दस्त सवाल जरा करने वाला जो हाथ है, बात करे तुम मुझे इतना पैसा दे दो, तुम मुझे कर्ज दे दो, तुम मुझे जो है इतना जो है रुपया दे दो जरूरियात के लिए, शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया। शरीयत ने जिस हाथ को पसंद किया, अल यदुल उलिया ऊपर का हाथ पसंद है, देते जाओ देते जाओ। अल्लाह के हबीब पाक आहाए दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम देते गए देते गए, लेना आपको पसंद नहीं आया। एक साहब ने आकर अर्ज किया, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है बैतुल माल से कुछ इनायत फरमा दीजिए। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्या काम जानते हो? उन्होंने कहा कि जंगल से लकड़ियां काटना जानता हूँ। आका ने फरमाया, घर में क्या मौजूद है? फरमाया ये चीजें मौजूद है। उन चीजों का हराज लगाया, ऑक्शन किया, बोली लगाई, उससे जो रकम आई और रकम डालकर कुल्हाड़ी लेकर दी और फरमाया कि जाओ किसी के हाथ भीख मांगना और दस्ते सवाल करना, उससे बेहतर है तुम जंगल जाकर लकड़ियां काट कर बेचा करो। लकड़ियां काट कर बेचने लगे। कई दिनों के बाद अल्लाह के हबीब पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया तो हाथ में गड्ढे के निशानात थे। कुल्हाड़ी पकड़ पकड़ कर और जंगल में मेहनत कर मजदूरी कर अल्लाह के हबीब पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हाथों को बोसा दिया। रिश्ते हलाल एक ऐसी चीज है, अल्लाह तबारक ताला ने कलाम पाक में अपना फजल बताया है, ये कोई बुरी चीज नहीं है। आप अक्सर सुनते होंगे, फैजा उदीयतिला जुम्मा के नमाज के बारे में अल्लाह तबारक ताला ने कलाम पाक में फरमाया, इदानू दिया जुम्मा नमाज से पहले कारोबार करने वाला कारोबार ना करे, कारखाना चलाने वाला कारखाना ना चलाए, ऑटो चलाने वाला ऑटो ना चलाए, टैक्सी चलाने वाला टैक्सी ना चलाए, टेलर मशीन पर बैठकर कपड़ा ना किए। ये जो जुमा का दिन है ये ईद का दिन है। आदमी उमदा नाश्ता करे, गुसल करे, इत्र लगाए और दावत करे, बेहतरीन किस्म की गिजा खाए, गरीबों को सदका करे, खैरात करे। ये तिलावत का दिन है, ये जिक्र का दिन है, ये दरूद पाक पढ़ने का दिन है, ये फुकरा के हज का दिन है, ये मुसलमानों के ईद का दिन है। ऐसे दिन के अंदर बैठकर आदमी टाका मारता रहे, आदमी दस को तीन की बमड़ियां लगाता रहे, आदमी कारोबार के अंदर पसीने में शराबोर होता रहे, ईद की खुशियाँ कहाँ मिलेगी, ईद की लज्जतें कहाँ मिलेगी? जो लोग सऊदी वगैरह बाहर जाते हैं वहाँ वो लोग कहते हैं, भाई आए हो किस लिए? काम के लिए। ईद वीद कुछ नहीं, तुम जाओ काम करो और पैसा लो। लोग मातम करते हैं, वो लोग खून के आंसू बहाते हैं कि हम अपने मुल्कों में होते, हम अपने इलाकों में होते, ईद के दिन जो है हम अपने बहनों से मिलते, भाइयों से मिलते, माँ बाप से मिलते, उमदा खाते, सैर करते, तफरी करते, खुशियाँ करते। आज अल्लाह ने हमें हर जुमा ईद का दिन दिया है, उस ईद के दिन भी भीख मांगते फिरे और ईद के दिन भी दुनिया के कुत्ते बने फिरे और उस ईद के दिन भी हम जलील होते रहे। इसलिए अल्लाह ने कहा कि नमाज से पहले आप अपने कारोबार को कर तो सकते हैं, लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाता है तो कारोबार हराम हो जाता है। तो क्यों हम हराम के अंदर लगे सुबह से लेकर शाम तक? और दिनों में तहज्जुद ना पढ़ते हो, जुमा के दिन तहज्जुद का एहतमाम करें, इशराक का एहतमाम करें, चार का एहतमाम करें, यानी घर में देखकर एक माहौल हो। काफिर ये कहे, ना भाई ये तो मुसलमान है, ईद के दिन कपड़े नहीं देगा, ये कपड़े नहीं लेगा, ये ईद के दिन दुकान इसकी खुलेगी नहीं। ये माहौल बनाएं, ईद का माहौल बनाएं, खुशियों का माहौल बनाएं,
فضا معطر کر دیں, خوشبواری کر دیں, کافر گلیوں کو سون کر کہہ دیں آج مسلمانوں کے عید کا دن ہے, ہر کوئی خوشبو لگا کر نکل رہا ہے, اسلامی لباس پہن کر نکل رہا ہے, ٹوپی پہن کر نکل رہا ہے, کسی کے ہاتھ میں مصلی ہے, کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہے, کسی کے ہاتھ میں مسواک ہے, کوئی کلام پاک کی تلاوت کو گنگنا رہا ہے, کوئی درود پاک کو گنگنا رہا ہے, کسی کے گھر میں جو ہے تلاوت کی کیاسٹ بج رہی ہے, کسی کے گھر میں بیان کی سیڑھی چل رہی ہے, کسی کے گھر کے اندر نعتیں چل رہی ہیں, یہ ماحول بنائے. تو اس کے بعد اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب نماز ہو جائے تو زمین کے اندر تم ٹھہر جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, ٹھہرنے کے بعد اللہ نے کہا میرے فضل کو, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. دیکھو اللہ نے روزی کو اپنا فضل بتایا ہے. دولت اگر بری بات ہوتی اللہ حج کیوں رکھتا؟ بھائی حج غریبوں پر فرض ہے. جس کے پاس ہوائی جہاز کی ٹکٹ نہیں, ویزا اسٹاپنگ کا پیسہ نہیں, مکے میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں, مدینے میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں, اللہ نے حج رکھا تو دولت ہی میں تو حج ہوتا ہے. اللہ نے زکات رکھی, یہ بھیک منگوں پر رکھی, اللہ نے دولت والوں پر رکھی, دولت والوں پر رکھی. دولت کا ہونا کوئی جو ہے برا نہیں ہے, یہ انسان کی ضروریات زندگی ہے, اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ. اسی لیے انسان کی ضرورت کیا ہے؟ بیت الخلاء کو جانا انسان کی ضرورت ہے. اگر یہ بیت الخلاء بند ہو جائے انسان جی سکتا ہے؟ لاکھوں روپے دے کر آپریشن کرائے گا ڈاکٹر صاحب, اس پیشاب کو نکلوا دیے, اس پاخانے کو نکلوا دیے. ارے پیشاب پاخانہ تو دور کی بات, اگر انسان کے جسم کے اندر گیس جمع ہو جائے, ری جمع ہو جائے, بدبودار ہوا جمع ہو جائے, ڈاکٹر سے کہے گا اس کو نکلوائیے, ماحول دھڑکا ہو رہا ہے, پریشانی ہو رہی ہے. انسان کی ضروریات ہے. انسان جب کھانا نہیں کھاتا ہے وقت پر چکر آنے لگتی ہے, اور آج ہم کھانے پینے کے سونے کے اتنے غلام ہو گئے ہیں, نظام ذرا عدل بدل ہو گیا. 9 بجے ناشتہ کرنے والے کو 10:30 بجے اگر ناشتہ ملتا ہے, 1.5 گھنٹہ دیکھو, پہلے کٹ پتلی کا ناچ ہوتا تھا, اب یہ جو ہے بھوکے انسانوں کا ناچ ہوگا. جو ظہر کے بعد کھانا کھاتا تھا 2:30 بجے 2 بجے اگر 3:30 ہونے لگے, کٹ پتلی کا ناچ دیکھو گھروں کے اندر کیسا ہونے لگتا ہے. تو اس لیے شریعت نے انسان کی ضروریات کا لحاظ رکھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تمہارے لیے نماز تیار ہو, خدا نہ کرے کسی وجہ سے دیری ہو گئی. ایک تو یہ کہ آدمی جان بوجھ کر دیری کرتا ہے, ابھی 1.25 گھنٹہ, ابھی 1 منٹ, ابھی 1:25, ابھی 1.5, تو 1:30 بجے اپنی دکان سے نکلے گا, اپنے مکان سے نکلے گا, پھر سیدھے جائے گا استنجا خانہ. یہ تو حرام ہے. کبھی اتفاقاً سفر میں جاتے ہوئے ایسے ہو گیا کہ اچانک مسجد ملی سفر میں, اور 1:30 بجے اس مسجد کے اندر ظہر کی جماعت تھی. اب گیا, انسان کو زور سے استنجا لگا ہے, بیت الخلا لگا ہے, قضائے حاجت لگا ہے, اب وہ استنجا کرنے کے لیے گیا اور بیت الخلا کرنے کے لیے گیا, دیکھا کہ قطار لگی ہوئی ہے. اب اس نے گھڑی کی طرف دیکھا اور بیت الخلا میں لگی ہوئی قطار کی طرف دیکھا, تو اب اس نے سوچا کہ اگر اس قطار میں لگوں گا تو میری نماز تو چھوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فریضہ اور اس کا حق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ انسان اپنی خواہشات کو مارتا اور آ کر جماعت میں شریک ہو جاتا, لیکن انسان کی ضروریات دیکھیں. شریعت یہ کہتی ہے کھانا تیار ہے عشاء کی نماز سے پہلے, اور انسان کو زوروں کی بھوک لگی ہے. اب دو آپشن ہیں, کھانا کھائے گا جماعت جائے گی, جماعت ملے گی لیکن بھوک ستائے گی. شریعت کہتی ہے کہ کھانا کھا لے, بھلے سے تیری جماعت چلی جائے. یہ انسان کی ضروریات ہیں. بیت الخلاء میں لگ جا, بھلے سے تیری جماعت چلی جائے, ثواب ہم دینے والے ہیں. انسان کی ضروریات کو اللہ نے لگایا ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی ضروریات کی تکمیل کو روکتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللہ, کہتے ہیں کَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرَائِضِ, کہ حلال روزی کو طلب کرنا یہ بھی ایک فریضہ ہے. کہتے ہیں حلال روزی طلب کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ, صدیقوں کے ساتھ, شہیدوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوگا. کوئی بری بات نہیں ہے کہ انسان دکان چلاتا ہے, انسان ملازمت کرتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمت بھی کی ہے, نوکری بھی کی ہے,
نکاح ہونے سے پہلے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کپڑا لے کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے علاقے کی طرف کاروبار کیا کرتے تھے, ڈیوٹی کیا کرتے تھے, ملازمت کیا کرتے تھے. جو لوگ دنیا میں بیمل میں کام کرتے ہیں, گورنمنٹ کی سرکاری نوکری کرتے ہیں, فوج میں ہیں, پولیس میں ہیں, وہ نیت کریں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمت کی, اور ملازمت کرنا سنت ہے, میں ہی ملازمت کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجیاد کی پہاڑیوں کو دیکھ کر. آج مکہ المکرمہ کے اندر مستشفی اجیاد ہے, حرم کعبہ کے بالکل سامنے ایک ہاسپٹل ہے اجیاد کے نام سے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ پورا علاقہ ہے, محلہ ہے اجیاد کے نام کا. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے اجیاد کے ان پتھریلی علاقوں میں, اس پہاڑ کے علاقوں میں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان پہاڑوں کو جانتا ہوں کہ جہاں میں بچپنے کے اندر ملازمت کیا کرتا تھا, بکریاں چرایا کرتا تھا, ڈیوٹی کرنے والے, کاروبار کرنے والے, بزنس کرنے والے نیت کریں اپنی بزنس میں, اپنی ڈیوٹی میں, کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈیوٹی کی ہے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیپار کیا ہے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملازمت کی ہے. ضروریات زندگی ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, پیغمبروں کے ساتھ, اولیاء کے ساتھ, اصحاب کے ساتھ, ابدال کے ساتھ, مومنوں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ, مشرکوں کے ساتھ, ان کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, یہ تو ہے. اور پیغمبروں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ہنر دیا تھا, وہ لوہے سے زرہ بنایا کرتے تھے. یعنی پرانے زمانے میں جب آدمی تلوار چلاتا اور تیر چلاتا, ڈیفنس کرنے کے لیے ایک لوہے کا آلہ ہوتا, اس کو مٹھی میں پکڑا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فن دیا تھا. بعض پیغمبر کپڑوں میں رنگنے کا کام کیا کرتے تھے, بعض پیغمبر تجارت کیا کرتے تھے, بعض پیغمبر ٹیلر تھے, درزی تھے. اللہ تبارک تعالیٰ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ رزق حلال کا طلب کرنا اور انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے, انسان کا ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لگنا کوئی حرام کام نہیں, ناجائز کام نہیں. اللہ اس میں اجر دیتے ہیں, اللہ اس میں ثواب دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کا حشر پیغمبروں کے ساتھ, صدیقوں کے ساتھ, شہیدوں کے ساتھ, صالحین کے ساتھ. حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک انسان کھیتی باڑی کرتا ہے, دھان کی فصل لگایا, گیہوں کی فصل لگایا, گنے کی فصل لگایا. اب اس نے چڑیا کو دعوت دی, بھائی چڑیا لوگوں تم آؤ یہاں پر جو ہے دانا کھا کر جاؤ. اس نے جو ہے چوہے کو دعوت دی, اے چوہا آنا اور میرے گیہوں کو کھا کر جانا. الٹا پتلا لگایا رہتا ہے کہ یہ انسان کھڑا ہوا ہے, دیکھ خبردار کوئی پرندہ نہ آنے پائے, کوئی جانور نہ آنے پائے. کرتے نہیں کرتے, کھیتوں کے اندر پتلا لگا ہوا رہتا بھی رہتا ہے. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے کھیت سے چڑیا دانا کھا لیتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اتنے ستے کا ثواب اسے برامد. اگر اس سے حلال, اگر دنیا کرنا منع ہوتا تو یہ کس بائی سے ثواب اور یہ کس بائی سے اجر کیوں ہوتی؟ یہ انسان کی ضروریات ہیں. انسان کا مکان بنانا ایک ضرورت ہے, انسان مکان بنائے, کپڑا پہننا ایک ضرورت ہے. انسان جو ہے کپڑا پہنے ننگا تو جی نہیں سکتا. بیوی کو پالنا ایک ضرورت ہے, اولاد کو پالنا ایک ضرورت ہے. یہ سب چیزیں ضروریات ہیں اور ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے, مقصد اور ہے اور ضرورت اور ہے. میں نے شروع میں یہ بات کہی, اللہ کرے دل و دماغ کے اندر یہ بات پہنچ جائے تو ہماری زندگی کا طریقہ ہمیں آ جائے گا, خدا کو راضی کرنا ہمیں آ جائے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا ہمیں آسان ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے زندگی. مقصد اور ضروریات میں اگر ٹکراؤ ہو تو انسان ترجیح کسے دے گا, پہلے کسے کس نمبر کو لائے گا؟ ایک انسان گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی چلانے کا مقصد یہ ہے
कि वो मंजिल मकसूद तक पहुंचे। असल मकसद गाड़ी का यही है, एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाए। गाड़ी के अंदर एसी खराब हो गया, एसी में बैठना क्या उसका मकसद है? गाड़ी है, गाड़ी का मकसद यह है कि गाड़ी के अंदर एसी में बैठे, या ये कि उसकी सीट फट गई तो क्या कोई दुनिया का इंसान अपनी गाड़ी को रोक लेता है? वो जरूरत है। जरूरतों के होने ना होने का मकसद पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। गाड़ी चल रही है, एसी बंद हो गया, गाड़ी चल रही है, पंखा बंद हो गया, गाड़ी चल रही है, हॉर्न बंद हो गया, गाड़ी चल रही है, सीट फट गई, गाड़ी चल रही है, खिड़की का शीशा टूट गया, जब तक उस मकसद में रुकावट ना हो। जैसे टायर पंचर हो गया, मकसद ही पूरा नहीं हो सकता। इंजन खराब हो गया, ये मकसद को रोकने वाली चीज है। लेकिन जो ऐसी जरूरियात हैं कि इन जरूरियात को इंसान आगे पीछे कर सकता है, तो इंसान इन जरूरियात को आगे पीछे कर मकसद पूरा करेगा, या जरूरियात को पूरा करने के लिए मकसद को पीछा करेगा? आप इंसाफ से बताएं। शादी करना मकसद है, और इंसान की जिंदगी का इरादा यह है कि मैं प्यालेस के अंदर शादी करूं, लेकिन उस तारीख को प्यालेस नहीं मिला तो क्या उस लड़की के रिश्ते को ठुकरा देता है? शादी करना मकसद है और प्यालेस में निकाह करना जरूरत है, तो जरूरत और मकसद में टकराव होता है। इंसान जरूरत को तलाक दे देता है और मकसद को पूरा कर लेता है। प्यालेस ना सही, एक ऐसी शादी महल, ऐसी शादी महल नहीं कारपोरेशन शादी महल, वो भी नहीं मिला। कहा कि ठीक है, गली के सामने जो मैदान है और घर के सामने जो गली है वहाँ पिंडाल डालकर शादी कर लेंगे। अब रुका छप चुका है, लोगों को मालूम हो चुका है, ये जरूरत आगे पीछे हो सकती है। कैटरिंग वाले ने कह दिया, जी दुल्हा साहेब आपको जो है बिरयानी नहीं मिलेगी, आपको खाना नहीं मिलेगा। ये तलाक दे देगा दूल्हा कि बिरयानी नहीं मिलेगी, मैं अपनी शादी को छोड़ दूंगा। ठीक है, लोगों से माजिरत चाह लेगा। जिसके दिल में मोहब्बत हो, महफिल निकाह में आए, हड्डियां मिले, खाना मिले ना मिले, वो यही ना कहेगा। जरूरियात और मकसद में टकराव होता है। एक आदमी को फर्स्ट क्लास में सफर करने की आदत है, रेलवे स्टेशन पहुंचा और कहा कि बाबू साहेब टिकट देने वाले, आप बॉम्बई और दिल्ली का फर्स्ट क्लास एसी का टिकट दे दें। उसने कहा कि पूरी टिकटें फरोख्त हो चुकी हैं। फिर कहा कि आप रिजर्वेशन का फ्री टायर का दे दें। उसने कहा ये भी पूरी बुक हो चुकी है, उसको जाना जरूरी है, उसके अब्बा हज्जे बैतुल्ला को जा रहे हैं या उसकी माँ उम्रे के लिए जा रही है। अब ये करेगा कि भाई मुझे एसी की टिकट नहीं मिली, अम्मा तू चली जा, मैं तुझसे मुलाकात नहीं करता। अब ये कहेगा जनरल बोगी के बैतुल खला में लटक कर जाने के लिए जगह मिले, मैं चला जाऊंगा। मकसद है, एसी में सफर करना जरूरत है और फर्स्ट क्लास में सफर करना जरूरत है। मकसद की तकमील के लिए इंसान जरूरियात की कुर्बानी दिया करता है। इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है? जोरू की गुलामी करना, औलाद की ख्वाहिशात को पूरा करना। अरे अजीब बात है, एक आदमी को कहा जाता है भाई तुझे दुआएं खुनूस आती, दाढ़ी सफेद हो गई, नहीं बचपन में सीखा नहीं, ईमान मुफस्सल नहीं सीखा नहीं, अत्तहियात वो ठीक से नहीं आता, इस्तहारे की नमाज वो नहीं आती, तहज्जुद की रकातें वो मालूम नहीं, और फिर फजर के सुन्नतें पढ़ना वो मालूम नहीं। दुनिया को, दुनिया की कौन सी क्लास है दुनिया में, दुनिया के अंदर कोई क्लास है कि तुम जुमा की नमाज के बाद और जुमा की नमाज के बाद अजान के बाद कुत्ते का गू खाने की कोई क्लास है दुनिया में? ये किसने बताया? बगैर क्लास के अंदर अटेंड हुए तुम कुत्ते का पाखाना खाते हो और सुअर का पेशाब पीते हो, बगैर क्लास अटेंड हुए। ये तो गली कोचों के अंदर ईमान सिखाने की मशीनें अल्लाह ताला लगाए हुए हैं। ये तबलीगी जमात है, ये मकातिब है, ये मदारिस है, ये जुम्मा के बयानात हैं, ये उलमा है, ये मुफ्तियाने किराम है, ये ईमान बता रहे हैं, ये कलीमा बता रहे हैं, ये तौहीद बता रहे हैं, ये नमाज बता रहे हैं, ये तहज्जुद बता रहे हैं। पाखाना खाने का तरीका दुनिया में कोई स्कूल नहीं। जोरू की गुलामी ये किसी स्कूल के अंदर सीखी? जिसने निकाह किया जोरू की गुलामी के अंदर मुब्तला हो गया, उसको कावा बनाकर तवाफ करना शुरू हो गया, उसका पेशाब पीना शुरू हो गया, दुनिया के अंदर कोई क्लास है जोरू की गुलामी की?
جو کعبہ بنا کر طواف کرنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. ہزاروں لاکھوں میں کڑا یہ بات کہی جاتی ہے. دنیا کیا ہے یہ ضروریات ہیں, بیوی کیا ہے ضروریات ہیں, اولاد کیا ہے یہ ضروریات ہے, کاروبار کیا ہے یہ ضروریات ہے, بزنس کیا ہے ضروریات ہے, مقصد زندگی کیا ہے, کیوں آئے دنیا میں, لوگوں کی غلامی کے لیے, اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, عمدہ عمدہ لباس پہننے کے لیے, بہترین گاڑیوں میں سواری کرنے کے لیے, اپارٹمنٹ بننے کے لیے. کسی پیغمبر نے یہ مقصد زندگی بتایا؟ حضرت آدم نے, حضرت عیسیٰ نے, حضرت نوح نے, حضرت صالح نے, حضرت لوط نے, حضرت ابراہیم نے, حضرت موسیٰ نے, حضرت عیسیٰ نے, 124,000 پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر نے یہ مقصد زندگی بتایا؟ نہ زبور نے بتایا, نہ توریت نے بتایا, نہ انجیل, کسی نے بتایا مقصد زندگی انسان کی دنیا میں آنے کی؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت ہم جو بندے, ایک ہوتی ہے ڈیوٹی. دیکھو دو چیزوں کا فرق کرو, ایک ہوتا ہے ملازم, ملازم جو ہوتا ہے وہ گھنٹوں کا ہوتا ہے, یعنی 8 گھنٹے ڈیوٹی کیا, اب اگر چاہے تو وہ ڈیوٹی کرے اس کا احسان ہے, اگر چاہے لات مار کر نکل جائے, چاہے کام ادھورا ہی کیوں نہ ہو اس کی مرضی, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کا ایگریمنٹ ہوا, اس کو ملازم کہتے ہیں. ملازم گھنٹوں کا پابند ہوتا ہے, ملازم کام کا پابند ہوتا ہے. بھائی گھر کو جھاڑو دو چلے جاؤ, 1 منٹ میں دے 2 گھنٹے میں دے, اس نے کام کو پورا کیا اور چلا گیا. 2 پنکھے سے درست کرنا, 3 ٹیوب لائٹ سے اس کو درست کرنا, پنکھے نہیں چل رہے تھے, اب اس کی مرضی, 1 منٹ میں کیا, 10 گھنٹوں میں کیا, 3 دن میں کیا, کنٹراکٹ لیا کہ اتنا مزدوری لوں گا, کر دیا چلا دیا, تو اس کو کہتے ہیں ملازم. ملازم یا تو کام کا ہوتا ہے, ملازم یا تو ٹائم کا ہوتا ہے. کام کے ملازم کو کام پورا کرنا فرض ہے, اور ٹائم کے ملازم کو ٹائم پورا کرنا فرض ہے. تو یہ ہوتا ہے ملازم, اور ایک ہوتا ہے غلام. غلام کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا, رات کے 1:30 بجے کہے مالک میرے پیر دابو, وہ نہیں بتا سکتا, نہیں مصاحب یہ میرے سونے کا ٹائم ہے. غلام ہمیشہ مالک کی اطاعت کے لیے ہما وقت تیار رہنا چاہیے. وہ کہے ابھی گاڑی آپ نے جو ہے ڈرائیور کو ساتھ لیا, کیا چکر ساتھ لیا, یہاں سے نکلیں گے یہاں پہنچیں گے, 30 کلومیٹر ہو, 300 کلومیٹر ہو, 3000 کلومیٹر ہو, ہر کلو میٹر تمہارا 7 روپیہ ملے گا, رات کا بھتا ملے گا, کھانے کو آپ کو جو ہے جو چیز ماہر ہے اسی شرط کے ساتھ جاتے ہیں. گئے اور جانے کے بعد رات کے 1:45 بجے میٹنگ ختم ہوئی, جلسہ ختم ہو گیا, ڈرائیور صاحب کو جگایا گیا. ڈرائیور صاحب گھڑی دیکھ کر کہنے لگے اتنی رات تو نہیں چلا, کیا مانے کوئی دنیا قبول کرے گی اس حضور کو؟ نہیں, آپ کو ان وقتوں کے لیے غلام بنا لیا گیا, ملازم نہیں ہے آپ. ملازم جو ہوتا ہے وہ ٹائم کا ہوتا ہے, غلام جو ہوتا ہے وہ ہما وقتی ہوتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمانوں, اللہ نے یہ نہیں کہا انسانوں اور جنات تم میرے ملازم ہو, آ کر سر پٹک کر چلے جاؤ ڈیوٹی پوری ہو گئی. ہم یوں نماز پڑھ رہے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی کو پورا کر رہے ہیں. آئے پٹاپٹ پٹاپٹ وضو کیا, کچھ منہ سوکھا اور کچھ جو ہے ہاتھ سوکھے اور کچھ پیر سوکھے, اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی سب کہاں ہوتی تھی, کیا ترتیب تھی؟ حدیث میں آیا ہے مردوں میں بہترین سب سامنے والے کی, یعنی امام کے پیچھے جو سب ہے یہ بہترین سب, عورتوں میں بہترین سب ہے وہ عورتوں کی آخری سب ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد کو نماز پڑھنے آیا کرتی تھی, بعد میں آپ نے منع کر دیا, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا. اسی زمانے میں عورتوں کا مسجد میں آنا بند ہو گیا. آقا نے فرمایا عورتوں کے لیے بہترین مسجد ان کے مکان کا وہ حصہ جس حصے میں بھی اکثر مرد نہ آتے ہوں. مکان ہی نہیں, مکان کا ایک تو ہے دالان, مکان کا ایک روم ہے وزٹنگ روم کہ وہ آیا وہ گیا, نہیں, فرمایا کہ عورت کی مسجد
वो घर का बेहतरीन हिस्सा खारू बैठी हिन्ना खार कहते हैं, ऐसा खड्डा कि जिसके अंदर किसी की आमद और रफ्त ना हो। इसीलिए हम जब जाते हैं हज बैतुल्लाह के सफर में, हमारी खवातीन को हम कहते हैं कि तबर्रुकन हरम पाक में जाकर तुम नमाज पढ़ लो तो ठीक है, मक्के में भी रहते हुए मदीने में भी रहते हुए औरतों को अपने मकानों के अंदर नमाज पढ़ना, अपनी जो है लाडजीन के अंदर कमरों में नमाज पढ़ना अफजल है मक्के में नमाज पढ़ने के बाद। क्यों? अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में फरमाया था, आपके जमाने में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन इमामत कर रहे थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत कर रहे थे। अगर औरत मस्जिद में आकर नमाज पढ़ती तो किसके इक्तदा में नमाज पढ़ता? है इमाम के। इमाम कौन होता? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा मौजूद होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपकी इक्तदा में आपके पीछे सहाबा की मौजूदगी में मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से आपने मना फरमाया, कहा कि तुम्हारी नमाज तुम्हारे घरों में अफजल है। तो आज मुस्तकिल औरतें आप जाए हज ड्यूटी करती हैं, ये मर्दों से पहले हाथ में बोरिया लिया और मुसल्ला लिया, जा रही हरम पाक की तरफ मस्जिद नबवी की तरफ। कहाँ जा रहे? ऐसे मालूम होता है इनको नमाज पढ़ाने जाना है, ये इकामत देने जानी है। ये घंटा दो घंटा पहले अपने लाडी को मरते बाद निकलेंगे, पहले औरतें पहुंच जाया करेंगी। तो बहरहाल आज के जमाने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आखा की मौजूदगी में सहाबा की मौजूदगी में नबी की मस्जिद में रियाजुल जन्ना में आपने कहा कि तुम्हारा घर बेहतर है, तो फिर आज कैसे बेहतर हो सकता है? तो बहरहाल अल्लाह के हबीब पाक आखाए दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को फरमाया कि तुम अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ो। तो और अगर इजाजत होती तो आज कहां पढ़ता मर्द और कहां पढ़ती? आखिर में पढ़ती, उसकी सब बात है, पीछे से पहले, उसके बाद सामने, उसके बाद ऐसा औरतों की उल्टी सब आती है। तो आज अगर किसी को मालूम करना हो कौन कितना बड़ा जोरू का गुलाम है, अक्सर जो लोग अत्तहियात में आते हैं, अक्सर जो लोग नमाज के होने के बाद आते हैं, अक्सर जिन लोगों ने मामूल बना लिया कि नमाज के आखिर में, ये जो जुमा में आखिर में आते हैं, एक एक नंबर के जोरू के गुलाम, ये इनकी तनख्वाहें कॉल सेंटर में काम कर किसी की 1,25,000 रुपए, किसी की 20,000 रुपए, अल्लाह की कसम एक एक नंबर के जोरू के गुलाम है। इसलिए आका के जमाने की औरतें अगर आज मस्जिद के अंदर आती तो आखिर में आती तो इनको जो जगह मिल रही है वो औरतों की जगह मिल रही है, मर्दों की तो भी ना मिल रही है। तो अरे कुछ तो बात है हदीस पाक में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये देखो ना तो मेरी पेशानी में लिखा हुआ मैं जुरू का गुलाम हूँ, ना तो आपकी पेशानी में लिखा हुआ है आप जुरू के गुलाम हैं। कुछ निशानियां हैं, कुछ अलामतें हैं जिनकी वजह से आदमी पहचान लिया जाता है ये कितने नंबर का जुरू का गुलाम। मैं क्यों कह रहा हूँ? हम अल्लाह की गुलामी करने के लिए आए। मैंने भी कहा बीवी के लिए कमाना, बीवी को लुकमा देना, बीवी को हंसाना, बीवी को कपड़ा पहनाना इबादत है। हदीस पाक में आता है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शौहर अपनी बीवी के मुंह में लुकमा देता है अल्लाह ताला सत्ते का सवाब है, अगर कोई शौहर अपनी बीवी को नमाज के लिए जगाता है बीवी चिड़चिड़ पड़ पड़ कर अरे जाओ जी रात के 12 बजे तक तुम्हारी माँ की खिदमत करती रही, कपड़े धोती रही, आ गए बड़ा तहज्जुद को जगाने, अब मोहब्बत से उसने पानी के छींटे मारे। हदीस में आता है अल्लाह के हबीब पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चिड़चिड़ खटखट पटपट से इन दोनों में जो तकरार होती है मोहब्बत की, अल्लाह को इतनी खुशी होती है अल्लाह हंस देते हैं। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बात को बयान किया आपने अपने दंदाने मुबारक अपने दांतों को जाहिर किया, अल्लाह ताला हंस देते हैं। हुकूक और चीज है, गुलामी और चीज है, तो उस गुलामी का पता ऐसे लगता है जो जुमा में आखिर वक्त में आकर ठोक मार कर जाता है, जिससे हमेशा की आदत बना ली आखिर वक्त में आकर नमाज पढ़ना, सलाम में आकर शरीक होना, अत्तहियात में आकर शरीक होना, दुनिया के मामले में सबसे आगे, दुनिया के मामले में, कारोबार के मामले में, रुपये के मामले में, पैसों के मामले में, बिजनेस के मामले में, औरत के मामले, यहाँ फोन आया नहीं, अभी काल खत्म नहीं हुई, ये हुजूर वहाँ पर हाजिर हो गए,
लोग कहते हैं कि अलाउद्दीन का शराब गिरने से जो है वो जो है एक जिन आया करता था, वो जिसने देखा ना हो और जो सीरियल ना देखता हो, गोरू के गुलामों को देख लें, अभी मोबाइल के फिल्म की गर्मी खत्म होने से पहले जी हुजूर बेगम साहिबा फरमाइए, अदब बनकर सामने खड़े हुए रहते हैं। तो ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। औरत को खुश कर कोई खुश नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आप अपनी गर्दन को कटा दें तो औरत कहेगी झूठ है, मुझे तो सामने से कटना पसंद नहीं, पीछे से कटना पसंद होगा, उसमें भी आएगी। कोई दुनिया में किसी ने अपनी औरत को खुश नहीं कर पाया, ना शाहजहां खुश कर पाया, ना आलमगीर खुश कर पाया, ना अकबर खुश कर पाया। उनके पास मुल्क थे, उनके पास जमीन के खजाने थे, टुट्टी पट्टी चड्डियां बेचकर और बनियान बेचकर, टमाटर सड़े गले बेचकर, जो लोग को खुश करना चाहोगे, औलाद की जो है तमन्नाएं पूरी करना चाहोगे, अल्लाह की कसम कयामत तक पूरी नहीं कर सकते। वो नवाब, वो जो है वाजिदुद्दीन और जो है लखनऊ के बड़े बड़े रामपुर के नवाब 360 बीवियां रखा करते थे, एक बीवी को खुश नहीं कर पाए, जिनके पास अमलाक की जायदाद की प्रॉपर्टी थी, किले थे, महल थे और भूल भरैया आज भी लखनऊ के अंदर है, वो बीवियों के साथ छेड़खानी किया करते थे, लड़कियों के साथ छेड़खानी किया करते थे, लड़कियों को छेड़ छेड़ छोड़ दिया और बीच में से गए, जो लड़की मिली झपट लिया, गोसा दे दिया, चिवट गए, अजीबो गरीब किस्म के तमाशे। आज तो मुलाकात की तय में और दूसरे के लिए पाबंदियां हैं, कहां कुछ कर पाओगे। एक है इंसान की जिंदगी का मकसद, और इंसान की जिंदगी का मकसद अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम हमारी ड्यूटी करो, ड्यूटी नहीं कहा, नमाज ड्यूटी नहीं, जो ड्यूटी समझता है छोड़ दे नमाज को, अल्लाह तेरे सजदों का मोहताज नहीं है। फिर एहसान करता अल्लाह पर कि मैं नमाज पढ़कर अल्लाह पर एहसान कर रहा हूं। हम तो गुलाम हैं और गुलाम पैदाइश से लेकर मौत तक गुलाम है। जब कहे अल्लाह या अय्युहल लजीना आमनू इदा कीला लकुम इन्फिरू फी सबीलिल्लाह साकल्तुम, जब तुम्हें कहा जाता अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तो तुम्हें सांस गुजरता है, दिन हो रात हो, माल देने के लिए कहें, जान देने के लिए कहें, औलाद देने के लिए कहें, नींद से जगने के लिए कहें और नमाज पढ़ने के लिए कहें, नफ्स की कुर्बानी देने के लिए कहें, माल की कुर्बानी देने के लिए कहें, कारोबार की कुर्बानी। अब तो ये हमारी जिंदगी का असल मकसद कारोबार, इसमें से फुर्सत मिली तो नमाज पढ़ना। देखिए अभी कलकत्ता होकर आए हैं, कलकत्ता की जकरिया स्ट्रीट में जो जामा मस्जिद है, इर्द गिर्द 100% मुसलमान, 100% इक्का दुक्का कोई काफिर होगा, चूहों की तरह, कीड़ों की तरह, मकोड़ों की तरह। अगर ये लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ जाएं, जकरिया मस्जिद, जकरिया स्ट्रीट की जो जामा मस्जिद है, बेंगलोर की जामा मस्जिद से भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी मस्जिद नाकाफी हो जाएगी। लेकिन फजर में 25 या 30 अफराद नमाज पढ़ने के लिए आते, वही कीड़ों मकोड़ों की तरह, कोई नाली में सो रहा है, कोई फुटपाथ पर सो रहा है, कोई मकानों पर, कोई दुकानों पर और कोई दुकान के सामने। कहां ये जिंदगी का मकसद? और दिन के अंदर देखो वो भाग, वो खरीद, वो फरोख और वो कारोबार, तो ये क्या है? ये हमने ये समझा कि असल दुनिया में कमाना है, टाइम मिले तो उस कमाने में से नमाज पढ़ना है। एक आदमी जोहर की नमाज के बाद 3:30-4 बजे जब ठंडा वक्त होता है, जाकर दुकान खोला और दुकान खोलने के बाद अब आई असर की नमाज, तलाक दे दिया, आई मगरिब की नमाज, तलाक दे दिया, अब आई ईशा की नमाज, जमात को छोड़ दिया। अब घर जाने के बाद वो असर की, मगरिब की और ईशा की तीनों मिलाकर पढ़ रहा है और ये समझ रहा है और लोग तो नहीं पढ़ते, मैं पक्का सच्चा नमाजी हूँ। ये कहाँ का नमाजी हुआ? ये तो कारोबार के लिए मकसद जिंदगी को कुर्बान कर रहा है। मकसद जिंदगी अल्लाह की इताअत है, मकसद जिंदगी अल्लाह की इबादत है। मकसद जिंदगी में और जरूरियात जिंदगी में टकराव हो तो दुनिया का कानून ये है कि जरूरियात को आगे पीछे किया जा सकता है लेकिन मकसद में फर्क आने नहीं दिया जा सकता। लेकिन दीन के मामले में हमारा ये मसला है कि हम कारोबार के लिए मकसद को यानी इबादत को कुर्बान करेंगे। औरतों का कॉल सेंटर के अंदर
ملازمت کو جانا کہ جہاں پر زنا کا اندیشہ ہو, کافر اور چمار کے عزت و آبرو لوٹنے کا اندیشہ ہو, اگر کچھ بھی نہ ہو ان لوگوں کے زنا کے تیر برسانے کا اندیشہ ہو. چاہے یہ کال سینٹر امریکہ کے زنا کے اڈے ہیں, عیاشی کے اڈے ہیں, یا ہوتا کیا ہے یہاں پر ملازمت کم ہوتی ہے, عیاشی زیادہ ہوتی ہے, مکاری زیادہ ہوتی ہے, یہاں پر عشق و معشقہ, یہاں پر زنا, یہاں مکاری. دیکھیے آدمی کہتا ہے کہ بھئی تو ہم پڑھے ہیں, امتحان لکھے ہیں, محنت کرتے ہیں, وقت لگاتے ہیں, تو محنت کرنا, وقت لگانا, کمانا یہ کیا حرام ہے؟ یہ تو حلال ہے. ارے اگر یہ بات ہے کہ صرف محنت سے روزی حلال ہے, رنڈی بھی تو محنت کرتی ہے, چور بھی تو محنت کرتا ہے, کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, پولیس کی مار کھانی پڑتی ہے, سلاخوں کے پیچھے جانا پڑتا ہے, ماں باپ کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے, اولاد کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے, خیر کی زندگی کو برداشت کرنا پڑتا ہے, لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں, راتوں میں جگنا پر ایسے ہاتھ مارا چوری ہو گئی. محنت کرنا بڑی بات نہیں ہے, وہ محنت اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہو, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو, تو وہ محنت حلال ہے. کاروبار حلال ہے, کتنا کاروبار حلال ہے, کپڑے پہننا کتنے رکھنے حلال ہے, مکان بنانا کتنے, بامبے میں بنایا, دلی میں بنایا, بنگلور میں کارپوریشن کا لیا, بی ڈی اے کا لیا, فلاں جنگل میں لیا, اتنے ایکڑ, ارے کتنا حلال ہے. تین روٹی کھانا, 30 روٹی جمع کیا, 3000 کیوں جمع کرتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر حلال حلال ہے, ہم جو کاروبار کر رہے ہیں حلال ہے, لکھ کر رکھ لیے. میں نے آپ کو بتایا پچھلے زمانے کے اندر جو علماء بیان کیا کرتے تھے تو اپنے بیانوں میں جاری سبقہ ہوتا, بھولا بھالا زمانہ اور ایمان کا زمانہ, خدا ترسی کا زمانہ, خدا کے خوف کا زمانہ, تو یہی بیان میں پھرا پھرا کر کہتے جب حلال اور حرام کا بیان ہوتا, لوگو خنزیر کا گوشت حرام ہے, یہی قرآن نے کہا, لوگو مردار حرام ہے, یہی قرآن نے کہا, لوگو چوری حرام ہے, خیانت حرام ہے, بددیانتی حرام ہے, چوری حرام ہے, یہی ان کو پھرا پھرا کر آیا کرتا تھا. لوگ اپنے حلال کی محنت بقدر ضرورت کیا کرتے تھے اور بقیہ وقت دین کے اندر لگایا کرتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کو کاروبار کے جتنے حصے سے اپنی گھر کی ضروریات پوری ہوتی ہیں, اس کو چھوڑ کر اور جو ہے کارخانے, ایک کارخانہ ایک دکان ہے, بیوی کی زندگی عزت سے ہو رہی ہے, بچوں کی کفالت, اسکول کی فیس ہے, ٹیوشن ہے, الیکٹریسٹی کی بل ہے, فون کی بل ہے, عزت سے گزرا. اب اس کو جو ہے شیطان نے پھسایا, کیوں ایسا نہیں کرتا کہ جو ہے لون کے اندر گاڑی لے لیتا, ایک ٹیمپو چلا لیتا, ایک اٹاچ کر دیتا گاڑی کو لے کر ٹراول والوں کو لکھ کر رکھے کہ جس کاروبار سے انسان کی رزق حلال کی کفالت ہو رہی تھی اس کو چھوڑ کر اس نے اور کاروبار کے اندر قدم رکھا, اگرچہ وہ کاروبار حلال ہے لیکن حرام کے دائرے میں آ جاتا ہے. کیا ضرورت, مقصد زندگی نہیں ہے نا. ایک آدمی سفر کر رہا ہے تو اب اس کو کتنی جگہ چاہیے, جتنی لیٹنے کے لیے اور جتنی بیٹھ, یہ ہے اس کی ضرورت. لیکن ایک آدمی ایک بوگی اپنے لیے بک کر لیتا ہے, بتائیے ٹرین کی ایک بوگی اپنے لیے بک کر لیتا ہے, اکیلا ہے, میاں بیوی ہے, تو حلال ہے کیا مجھے بتائیں آپ, حلال ہے یہ؟ اس کے لیے میاں بیوی کے لیے کتنی ضرورت, 24 گھنٹے 48 گھنٹے سفر کرے گا اور اپنی منزل کے اندر جائے گا, تو جیسے آدھی بوگی کو بک کر لینا فضول ہے, حرام ہے اور ضرورت سے زیادہ استعمال ہے. جس آدمی کا کاروبار جتنے کاروبار سے اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے اسے چھوڑ کر مزید کاروبار کے لیے, کیوں میری بیوی کہتی ہے پنا بنارس کی ساڑی پہنتی ہے اور پنا قیمتی زیور پہنتی ہے, اجی یہ تم ہو ساری زندگی تم مجھے, یہ تو مرتے مرتے بھی عورت کے حکر مرے گی. حدیث پاک میں آتا ہے خوش نہیں کر پاؤ گے اللہ کی قسم, اکبر بادشاہ خوش نہیں کر پایا, عالمگیر خوش نہیں کر پائے, جہانگیر خوش نہیں کر پائے, جہاں شاہجہاں خوش نہیں کر پایا, اور بڑے بڑے سلاطین جن کے پاس زمین و آسمان کے خزانے تھے سکندر خوش نہیں کر پایا, پھٹی ہوئی چھٹیاں, پرانے پوشیدہ کپڑے, سڑے ٹماٹر پیچ کر جو ان کو خوش کرو گے تم,
کہاں کچھ کرو گے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا. عورتوں نے آ کر درخواست کی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اب مردوں ہی میں خطاب کرتے ہیں ہمارے یہاں خطاب کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ ایک موقع بنا لیجئے پردے کا نظم کر لیجئے. پردے کا نظم کیا گیا آپ نے فرمایا میں نے تم کو دیکھا تم جہنم میں مردوں کے مقابلے زیادہ جا رہی ہو. جسے یہاں رزلٹ آتا ہے عورتیں مردوں کے مقابلے میں سبقت کر گئی ایس ایل سی کے ایگزام میں پی یو سی کے ایگزام میں سی ای ٹی کے ایگزام میں قیامت میں بھی یہ سبقت کر جائیں گی یہ جنتیوں کے مقابلے میں جہنم میں زیادہ جائیں گی. صحابیات کا بھامک رہنے والی تھی صحابی نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم خدا کی بھی ناشکری کرتی ہو اور شوہروں کی بھی ناشکری کرتی ہو. یہ عورت کی فطرت کی بات ہے اس کو کوئی خوش نہیں کر سکا اور قیامت تک اس کو کوئی خوش نہیں کر پائے گا. جو چیز ہونی نہیں کتے کی دم سے سیری ہونے کی نہیں تو آپ ہیرے جواہرات اور سننے کی پھکنی لے کر کوشش کیوں کرتے ہو؟ جس چیز کا ایکسپیرئنس ہو چکا اور جس چیز کا تجربہ ہو چکا اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ یہ مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی اللہ کی اطاعت ہے اللہ کی بندگی ہے. اگر تکبیر تحریمہ چھڑانے والا ہمارا کاروبار ہو نماز کو چھڑانے والا ہمارا کاروبار ہو ہمارا کاروبار ہماری روزی کے اندر بڑھوتری اور مزید لانے کے لیے اور فرعون بننے کے لیے اور کمپٹیشن کرنے کے لیے اور بندلہ بننے کے لیے اور عمدہ سوال. دیکھو دنیا میں آج اسکوٹر لیں گے اسکوٹر سے قیمتی کار ہوگی کار لیں گے کار سے قیمتی امپورٹڈ کار ہوگی امپورٹڈ کار لیں گے اس سے قیمتی کار ہوگی وہ لیں گے تو کسی کے پاس ہوائی جہاز ہوگی وہ لیں گے کسی کے پاس دنیا کا اور قیمت کہاں تک مقابلہ کرو گے؟ ہمیں روٹی مل رہی ہے اور ہمیں روزی مل رہی ہے اور ہماری بیوی بچے عزت کے ساتھ بغیر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے مل رہے ہیں. ایک سایہ ہے جہاں پر ہم اپنی بیوی بچوں کو سکون کے ساتھ عزت کے ساتھ رکھ سکتے ہیں یہ بہت کافی ہے. بقیہ وقت دین کے لیے لگانا تلاوت کے لیے ذکر کے لیے قوم کی فکر کون کرے گا؟ قوم کی فکر دنیا کہاں سے کہاں جائے گی آپ کو پتا؟ ہندو کیا کر رہا؟ ہندو اوڑھنا وچھونا بنایا ہے مقصد زندگی بنایا ہے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے فکر ہے آپ کو؟ روپیہ پیسہ ہمارا مقصد ہے زندگی. حدیث میں آتا ہے آپ نے سنا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے مشرکوں سے جو دنیا میں شرک کیا کرتے تھے جو جو جس جس کی پوجا کرتا تھا وہ اپنے اپنے دیوتا کے پاس دیوی کے پاس چلے جائے. جو رام کی پوجا کرتا تھا وہ جا کر رام کو پکڑ لے. جو لکشمن کی پوجا کرتا تھا وہ لکشمن کو پکڑ لے. جو رادھا کی پوجا کرتا تھا وہ رادھا کو پکڑ لے. جو زمین کی دھرتی کی پوجا کرتا تھا وہ اسے پکڑ لے. جو چندرما کی پوجا کرتا تھا جو سورج دیوتا کی پوجا کرتا تھا جو ستاروں کی پوجا کرتا تھا جو پتھروں کے گنیش کی پوجا کیا کرتا تھا. مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ بھاگے گا اپنے دیوی کی طرف کہیں گے مسلمانوں کا خدا تو اللہ ہے وہ تو اللہ کی پوجا کرتا تھا وہ کہتا تھا اللہ نعبد و ایاک نستعین وہ کہتا تھا اللہ اکبر اللہ بڑا ہے وہ کہتا تھا لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں. یہ کون سی دیوی اور دیوتا کے پاس پہنچے گا؟ یہ لکھ کر رکھیں میری بات قیامت کے دن جب یہ منظر آئے گا تو آپ یاد کریں گے کہ دنیا میں کوئی مولوی یہ بھی بات فقیر یہ بھی بات کہتا تھا. ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ نوٹوں کی طرف بھاگے گا پیسوں کی طرف بھاگے گا. وہ پیسوں کی پوجا دنیا میں کیا کرتا تھا اس کے لیے وہ قتل بھی کر سکتا تھا اس کے لیے وہ جھوٹ بھی بول سکتا تھا اس کے لیے وہ عورت کو طلاق بھی دے سکتا تھا اس کے لیے وہ دوستی بھی کر سکتا تھا اس کے لیے وہ دشمنی بھی کر سکتا تھا اس کے لیے دھوپ کی برداشت کرتا تھا اس کے لیے سردیوں کو برداشت کرتا تھا. وہ ایک دیوی ہے روپیہ وہ دیوتا ہے پیسہ وہ بزنس وہ کاروبار
जिसकी पूजा किया करते थे, लिख कर रख लो कि जहां हदीस पाक के अंदर कहा गया कि मुशरिकीन जाएं अपनी देवी देवताओं को पकड़ने के लिए, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका इन 500 की नोट की तरफ, उस 1000 के सिक्के की तरफ, अपने कारखाने की तरफ, अपने जो है देवी झूठे देवताओं की तरफ भागेंगे। देखना किया मतलब दिन ये झूठे सजदे के कारोबार में से वक्त निकाल कराकर झूठी फूंगे मारना, ये खुदा को नापसंद है। ये हराम है कारोबार कि जिस कारोबार के अंदर आदमी अपनी इबादत से गाफिल हो जाए। ये मकसद है जिंदगी नहीं, मकसद है जिंदगी क्या है आज गैर होमों का आपको पता है? भोपाल के अंदर भारत भवन है जहां पर पूरे हिंदुस्तान की आर्ट की गैलरी और एग्जीबिशन लगता है। जैसे यमियत हुसैन मुसव्विर है, उसने कोई जो है देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई, या आपने का कोई किसी ने जो है कोई सीनरी बनाई, तो आपको हक है कि भोपाल के भारत भवन के आर्ट गैलरी के अंदर एग्जीबिशन के अंदर आप बोली के लिए या नुमाइश के लिए आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। लेकिन आरएसएस का एक जो है भोपाल का मिनिस्टर या एक जो है आरएसएस का रुकन, उसने एक तस्वीर बनाई और तस्वीर ये बनाई कि पार्लियामेंट दिल्ली का पार्लियामेंट हाउस है और अमामे वाले पगड़िया वाले दाड़िया वाले हाथ के अंदर तीर रखे हुए हैं, हाथ के अंदर तलवार रखे हुए हैं, हाथ के अंदर एक ही 47 रखे हुए हैं। तो उसने नीचे तारीख लिखी है कि सन 2050 के अंदर ये लोग जो है पार्लियामेंट पर दाढ़ी के जरिए से, तलवार के जरिए से और भाले के जरिए से, एक 47 के जरिए से ये लोग कब्जा कर लेंगे। कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला। हैदराबाद के अंदर यही यकीन हुसैन अगर एक देवी को असली शक्ल के अंदर पेश कर दे, बाल ठाकरे का जीना हराम हो जाता है, आरएसएस वालों की नींदें हराम हो जाती हैं। हमारी देवियों की देवताओं की तौहीन है, मुकदमा दायर किया गया हसक इज्जत का, देवी देवताओं की तौहीन का, पूरे आलम के मुसलमानों को चैलेंज किया गया, तुम दहशतगर्द हो, तलवार के बल पर जीने वाली कौम हो और एक एक 47 के बल पर जीने वाली हुकूमतों को चैलेंज नहीं करने वाली कौम हो। किसी ने कुछ कहा? राजस्थान के अंदर गुज्जर कौम ने अलग ऐलान कहा, हम करेंगे या मरेंगे, पार्लियामेंट को आग लगा देंगे, दो थानों को आग लगा दिया, रेल की पटरियों को उखाड़ दिया और पुलिस वालों की जानों को जला दिया, दुकानों को भस्म कर दिया और कई पुलिस वालों का इजवा कर लिया। है दुनिया में किसी की हिम्मत उनको दहशतगर्द कहने की? कोई किसी ने उनको कहा कि तुम पटरियां उखाड़ते हो, थानों को आग लगाते हो, पुलिस वालों पर तुम जो है ईंटा चलाते हो और पत्थर मारते हो? और हैदराबाद के अंदर जब बम विलास के अंदर हमारे भाई शहीद हो गए और उन शहीद शुहादा की मौता को, लाशों को उठाने के लिए जब फुके हैं हमारे नौजवान, 13-13, 12-12 साल के नौजवान को पैरों पर गोली चलाने के नाम पर जब झुके हैं, तो जाहिर सी बात है वो गोली पैरों पर नहीं लगती, वो सरों में और सीनों में लगती है। पुलिस ने यही बयान दिया, हमने जो है पैरों की तरफ गोली चलाई, उसको मालूम था, वो चाहती भी यही थी, हमारे शहीदों की लाशों को उठाया जा रहा था, पुलिस ने गनीमत जाना, पथराव नहीं हुआ, किसी मकान को आग नहीं लगाया गया, किसी दुकान को आग नहीं लगाई गई, हम अपने भाइयों की लाशों को उठा रहे थे, हम पर गोली चलाई गई, कोई और फिर इल्जाम क्या आया? मुसलमान दहशतगर्द हैं, अपनी मस्जिद को अपनी भाइयों को बख्शते नहीं है। और फिर वहां तस्वीर लटकाई जाती है कि पार्लियामेंट के अंदर जो जो है हमला करने वाले हैं ये दाढ़ी वाले हैं और ये जो है फुला किस्म के कौम हैं और फुला किस्म के ये लोग हैं। क्या चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर? ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? गैर कौमें पूरी जाग गई हैं, मुस्तैद हो गई है मुसलमानों को देश को नाबूद करने के लिए, और मुसलमान रूपये की पूजा में लगा, पैसों की पूजा में लगा है, कारोबार के पीछे लगा है, जोरू के पीछे लगा है, बच्चों की ये फिल्में जो जाते हैं टूरिज्म, हम देखते हैं ट्रेनों के अंदर माँ सोई हुई रहती है, बाप जाकर बच्चे को पाखाना कराता है, माँ सोई हुई रहती है, बाप जाकर बच्चे को पेशाब कराता है, उसका पाखाना फूलता फूट है, लानत है, ये मुजाहिदा वाली जिंदगी है? बच्चों का पाखाना साफ करना, औरतों के कपड़े धोना, जोरू की गुलामी करना, और आज जो है ये लोग हम पर किस तरीके से मुसल्लत हैं? सन 2007
एजुकेशन का नया दौर शुरू हो रहा है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में तकरीबन एडमिशन मुकम्मल हो चुका है। हायर प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तालीम में मजीद इजाफा कर दिया है। क्या इजाफा? सेक्स एजुकेशन, यानी बच्चा अपने माँ को पूछेगा कि माँ के पेट में अगर दो बच्चे हो तो कैसे जिंदगी गुजारते हैं। सेक्स एजुकेशन, बेटी अपनी माँ से पूछेगी कि 17 बॉयफ्रेंड के पास जाकर मैं जिना करूँ तो फिर मुझसे हमल करार ना पाए और मुझे एड्स ना आए, मुझे उसकी बीमारी ना लगे। अम्मा तुम तजुर्बाकार हो, तुम मुझे बताओ कि एड्स ना आने के तरीके क्या हैं। बात कर दिया है, हया बेहयाई की कोई हद है? बेशर्मी की कोई हद है? जमाना कहां से कहां जा रहा है। और इस पर तजुर्बा किया गया हैदराबाद के अंदर NOGC में कि इस तालीम एजुकेशन सेक्स एजुकेशन को तो अभी पहले सबक में, पहली टॉपिक सब्जेक्ट में अभी लक्चरार बाहर निकलने नहीं पाई थी। लड़के टीचर को सवाल करने लगे, हम आपसे मुलाकात करने का तरीका क्या होगा। ये हिंदुस्तान है जो तबाही के दहाने की तरफ जा रहा है, बर्बादी के दहाने की तरफ जा रहा है। वो कंडूम के इस्तेमाल का तरीका बताता है, वो औरत की माहवारी के लिए लिए जाने वाले कपड़े का तरीका इस्तेमाल बताता है। अब आइंदा सिर्फ इतना बाकी है, औरत के माहवारी का खून का खतरा कहाँ से निकलता है, सब कुछ बता रहे। बच्चे देख रहे हैं ये क्या नैपकिन होती है, ये नील का धब्बा क्यों पड़ रहा है, ये औरत को क्यों जरूरत पड़ती है, बच्चों के पेशाब पर खाना आता है। अब सिर्फ शर्मगाह को बताना और शर्मगाह के अंदर से खून को टपकता हुआ बताना। सेक्स एजुकेशन के नाम पर मुल्क तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ जा रहा है। फिल्मों में काम करने वाले, ये नाम ये हरामजादी जो शिल्पा शेट्टी है, ये स्टेज के अंदर आकर ये अंग्रेज से वो बोसा लिया है कि एड्स के मरीजों को उसने ये बताना चाहा है कि एड्स के मरीजों से बोसा ऐसे भी लिया जाता है। जबकि उसी अदालत के अंदर मुकदमा दायर कर दिया तो अदालत ने मुकदमे को खारिज ये कहकर कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर एड्स के मरीजों की हिम्मत अफजाई के लिए फिल्म में काम करने वाली एड्स जानी आरंडी ने काम किया है। इसको तो दादे तहसीन देना चाहिए। ये नहीं कहते जिना से बचो, बदकारी से बचो। कुरान ये कहता है वला तक्रबुल फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा वमा बतन। ऐ लोगो, तुम बुराई करना तो दूर की बात, तुम बुराई के करीब ना जाओ। जिना करना तो दूर की बात, वला तक्रबुल जिना। और यहाँ कंडूम के तमाम के तरीके अब लेक्चरार अपने शागिर्द स्टूडेंट को बताएगा, अब प्रोफेसर अपने तलबा को बताएगा। ये तबाही और बर्बादी की तरफ ये मुल्क जा रहा है। दुनिया के सवाबतू ममालिक में आप जानकर हैरत करेंगे, हिंदुस्तान तो ऐसी तरक्की की चीजों को बहुत पहले गले लगाता है। हिंदुस्तान दुनिया के 105 या 110 ममालिक के अंदर हो ही रहा है कि अब लोग न्यूज भी जो है सुनने के अंदर बोरियत महसूस कर रहे हैं कि भाई गाना सुनने में मजा आता है, फिल्म देखने में मजा आता है और किस्मत दरी के वाकियात को देखने में मजा आता है। अब न्यूज देखने में क्या ये क्या मिलता है? तो अब लिहाजा न्यूज की एक कैफियत रखी गई कि औरत को जब लाया जाता है दुपट्टा पहनाकर, ब्लाउज पहनाकर और बुर्का पहनाकर, अब न्यूज का एक मरहला खत्म हुआ तो दुपट्टे को निकाला, हाथ से ब्लाउज को निकाला। न्यूज का सियासत का मरहला खत्म हुआ तो जिस्म से जो है जम्पर को निकाला। न्यूज का स्पोर्ट्स का मरहला आया तो फिर उस बाड़ी को निकाल दिया। न्यूज का अन्ना फिल्म का मरहला आया, नीचे से पायजामे को निकाल दिया। न्यूज का सेक्स एजुकेशन का मरहला आया तो उस पायजामे के अंदर के अंडरवियर को, ये 105 मुल्कों के अंदर दुनिया के न्यूज चैनल के अंदर ये चल रहा है। बेहयाई, बेशर्मी और इस्लाम पर हमला, मुसलमानों पर हमला पूरी उम्मत के साथ और पूरी ताकत के साथ आज हो रहा है। और मुसलमान कर क्या रहा है, कर क्या रहा है? कोई होश है उसे? और कोई अपने ठिकाने की खबर है कि वो क्या करने जा रहा है? ये आज जो है मुसलमानों के साथ किए जाने वाले सुलूक की सूरत हाल। अरे आज कहा जाता है पर्दे को अपनाओ, कितनी औरतें खुद से पर्दे को अपनाना चाहती हैं। कहता है अरे बोलो बाजार में आओ, ऐसे ही बंद चलो। वो अपने सामने काम वाली की हैसियत से रखना पसंद करता है, लेकिन यही मर्द की तरह जब इस औरत को बाजार में ले आता है, खुद चाहता है चरंडी बनकर बाजार, खुद चाहता है। औरत ने अल्लाह ने फितरी तौर पर कुछ हया को रखा है,
शर्म रखा है। काफिर की औरत हो, भेड़ चमार की औरत हो, औरत में अल्लाह ने शर्म आया ये खुद कहता है बाल कटाओ, ये खुद कहता है। अरे औरत जाती है अपनी जो है परकटी चोली सिलने के लिए 16 सेंटीमीटर का ब्लाउज, ये हिजड़ा है जो सिला कर ले आता है। और फिर जब इनको कहा जाए नहीं जमाना जैसा है ऐसे मिलकर चलने में मजा आता है। अभी हम उम्मान के करीब आते आते रह गए, हमारी जिंदगियों से बरकत निकल गई, हमारे बस से बरकत निकल गई, अभी सज भी नहीं करने पाए थे। मैंने आपको बताया हराम रोजी के बारे में, अभी उसको हम टच कर रहे हैं। बॉम्बे के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई और कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद करने वाला कौन था, बरेली नहीं था और रजा खानी नहीं था और बाकी फिरके का कादियानी नहीं था। क्या जमाना है, दारुल देवबंद का एक फारिग तहसील था जिसका नाम था इश्तियाक अहमद आजमी, आजमगढ़ का रहने वाला। कॉन्फ्रेंस का मकसद जानते हैं आप, देवबंद का फारिग जलालुद्दीन कासमी भी देवबंद का फारिग, गैर मुकल्लिदों का नुमाइंदा बना हुआ। होता यह है वो कहते हैं ना कि नमाजी चप्पल चोर नहीं होता, जो नमाज पढ़ता है उससे बेहयाई निकलती है, बेशर्मी निकलती है, गुनाह का काम तो रोकती है नमाज। नमाजी चप्पल चोर नहीं होता, चप्पल चोर नमाजी की शक्ल बना लेता है, समझ गए। नमाज जो आदमी पढ़ता है अगर गुनाह का इरादा भी किया हो तो गुनाह का इरादा से बाज आ जाता है, लेकिन चप्पल चोर नमाज की शक्ल अपना लेता है। ऐसे ही आदमी हक का नुमाइंदा होता है, आदमी बातिल के ऐवान को ललकारने वाला होता है, आदमी बातिल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लेकिन कोई बातिल का नुमाइंदा आदमी बनकर चला जाता है जैसे चप्पल चोर नमाजी बन जाता है, ऐसा हो जाता है दुनिया के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अब्दुल्लाह इब्ने उबई इब्ने सलूल मुनाफिक नहीं हो गया था, वो सहाबा का हुलिया डालकर जुब्बा डालकर दाढ़ी डालकर वो आका की मजलिस में नहीं जाता था, ऐसे हो जाता है। इश्तियाक अहमद आजमी बॉम्बे के अंदर उसने एक कॉन्फ्रेंस की, कॉन्फ्रेंस का मौजू क्या था, सूद हिंदुस्तान में हलाल है। सूद का उसका तर्जुमा क्या हो, हिंदुस्तान में अपनी माँ के साथ रोजाना 36 मरतबा जिना करना हलाल है। और उसने ये तावील की कि आज लोग जहालत में पड़े हुए हैं, उलमा को एजुकेशन क्या है पता नहीं, तालीम क्या है पता नहीं। सूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या था, महाजन लोग गरीबों को लूटा करते थे, किसानों को लूटा करते थे आका के जमाने में। आज गरीब महाजन की मदद करता है, बैंक में आप पैसा दें तो उस पैसे से टाटा बिरला बड़ी बड़ी कंपनियां जो है और एयर इंडिया ये सब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं बैंकों से पैसा लेकर बिजनेस करती हैं। हुजूर के जमाने में देखिए नुक्ता, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में महाजन अमीर गरीब को लूटता था, आज गरीब अमीर को पाल रहा है, बैंकों में जमा पैसे से अमीर लोग कारोबार कर रहे हैं। तो कारोबार कर कारोबार का एक नफे का हिस्सा अगर वो गरीब को दे दे तो ये सूद होगा क्या। इस पर सेमिनार हुआ, इस पर कॉन्फ्रेंस हुई, क्या सवाल आप क्या जवाब आप, मैं इंशाल्लाह जो है अगली जुमा आपको तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन किस दौर से गुजर रहे हैं, किस दौर से कैसे दौर से गुजर रहे हैं हम कि सूद पर सूद को हलाल बनाने के लिए आज मीटिंगें हो रही हैं, उलमा की कॉन्फ्रेंस है। कल ये कहेगा कोई मेरी बीवी से ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, रंजी खाने से अपनी जरूरत पूरी करूंगा, शायद इस पर भी जो है इश्तियाक अहमद आजमी जो है कोई कॉन्फ्रेंस को नहीं करेगा, वो कहेगा हुजूर के जमाने का जिना और था, हुजूर के जमाने की बदकारी और थी, आज तो पैसा देने से लड़की खुद मर्जी से मिलती है, लड़की खुद अपने जिस्म को पेश करती है। हो सकता है कोई इश्तियाक अहमद आजमी जिना के उन्मान पर सेमिनार कोई मुनक्किद करे। खैर मैं इसका जवाब कभी नहीं आपको दूंगा, बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि इंसान की मकसद जिंदगी और इंसान की जरूरत जिंदगी में अगर टकराव हो तो इंसान मकसद जिंदगी को तरजीह दे, यही इंसानियत का तकाजा है। मुझी का जुमा मैंने आपके सामने अर्ज किया था, इंसान रिश्ते हलाल को अपनाता है, अल्लाह तबारक ताला खुद बहुत नेकी की तौफीक और अकल की राह खोल देते हैं। कई जुमा से हम इरादा करते हैं कि देर के आसपास अचानक जुमा को खत्म कर दे,
اور یہ دیر کے بعد جو کتا کھانے والی سور کا پیشاب پینے والی قوم آتی ہے ان لوگوں کی دو چار مرتبہ نماز چھوٹے تو پھر یہ لوگ پہلے آئے کہا جانے یہ آپ کی محبت طلب یا طلب صالح یا آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ختم ہی نہیں کر پاتے ہیں یہ جو ہفتہ گزرا اتنا مشقت والا اتنا محنت والا ہم بتا نہیں پاتے سفر میں اتنی مشقتیں اتنی مشقتیں اتنی قربانیاں کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کم سے کم آج تو چھٹی ہو ہی جائے گی دیر کے آس پاس لیکن یہ آپ لوگوں کی طلب صالح ہے یہ آپ لوگوں کی جو ہے اخلاص ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کے صدقے میں ہم سے جو ہے دین کی باتیں نکلوا دیتے ہیں تو بہرحال یہ رشتے حلال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ اور صحیح وراثت نصیب فرماتے ہیں دیکھیے پاکستان کی جو نیلو پر بختیار ٹوریزم منسٹر ہے یہ عورت ہے نیلو پر بختیار یہ ٹوریزم منسٹر ہے پیرس میں یا فرانس میں یہ جو پیراشوٹ لگا کر ہوائی جہاز سے کودتے ہیں اب ظاہر کی بات ہے اس کے پاس جو ایک ٹوریزم کا شعبہ ہے یہ پیرس بھی جائے گی فرانس بھی جائے گی لندن بھی جائے گی ٹوریزم کو امپروومنٹ کرنے کے لیے ترقی دینے کے لیے تو جب اس میں وہاں کے پیرس یا فرانس ذہن سے نکل گیا اپنے استاد سے چھتری لے کر پیراشوٹ لے کر زمین پر کودنے کا اس نے مظاہرہ کیا تو چنانچہ جب پہلی مرتبہ وہ زمین پر کودی ہوائی جہاز سے ظاہر سی بات ہے کہ عورت جب اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے تو نیچے ہوا اوپر کی طرف کپڑوں کو اچھالتی ہے سارے اعضا اس کے نظر آنے لگتے ہیں بھلے سے وہ چھوٹا سا کپڑا اندر پہنا ہوا ہو پوری دنیا نے اس بے حیائی کے منظر کو دیکھا چونکہ وہ ٹوریزم منسٹر تھی اور وزیر سیاحت تھی تو لہذا میڈیا اور کیمرہ مین تھا جب زمین پر جیسے ہی اتری تو اس کا جو استاد تھا وہ یہودی تھا فوراً اس کو کمر کس لیا اس نے اس کو کمر کس لیا پہلے ہی کپڑے اچ کچے تھے اور منہ میں منہ کتا اور کتے کی طرح ڈال کر بوسہ باسی کے اندر لگ گئے دونوں تو چنانچہ ایک فوٹو گرافر نے اس کتے اور کتیا کے جڑنے کی فوٹو کو پکڑ لیا اور پاکستان کے میڈیا کے حوالے کر دیا اور پاکستان کے اخباروں کے حوالے کر دیا آپ جانتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں پاکستان کی لال مسجد کو پاکستان کی مدرسہ حفصہ کو کہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ مجاہد عورتوں کو پیدا کر رہے ہیں لال مسجد کے مفتی نے مشرف کا پاجامہ ڈھیلا کر رکھا ہے اس کے پیشاب پتا ہو رہا ہے امریکہ سے اتنا نہیں ڈرا جتنا کہ پاکستان کے لال مسجد کے مفتی نے اس کو جو ہے پریشان کر رکھا ہے تو جیسے ہی اخبار کے اندر یہ تصویر آئی تو لال مسجد کے مفتی اور مدرسہ حفصہ کے طالبات نے کہا یہ عورت اسلام سے خارج ہو گئی ہے اور اس عورت کا نکاح اپنے شوہر سے ٹوٹ چکا ہے اور پاکستان کے اندر جگہ جگہ اس عورت کے خلاف مظاہرے ہوئے نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو جو ہے استعفیٰ دینا پڑا اگرچہ کہ اس استعفیٰ کو وہاں کے وزیر اعظم نے قبول نہیں کیا استعفیٰ دینے کے بعد اس بے حیا بے شرم عورت نے نیلو پر بختیار نے جو بیان دیا وہ یہ ہے مسلمانوں میں صحیح ایجوکیشن نہیں ہے مسلمان زمانے کو پہچان کر نہیں کر رہے کیا مطلب گوتہ بازی کرنا چاہیے غیروں سے چمٹنا چاہیے پردے کا کوئی حکم نہیں ہے جیسے زمانے کے کتا اور کتیا کر رہے ہیں ایسے کرنا چاہیے یہ سب رشتے حرام کی وجہ سے ہوتا ہے رشتے حلال ہو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ عورت جس نے چھ مہینے کے اندر بچہ پیدا کر لیا فرمایا کہ بچہ حلال ہے کہا کیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت تھی کہا کیسے کہا کلام پاک میں اللہ نے فرمایا وہ ہم لوگوں چہرہ اس کا حمل یعنی پیٹ میں رہنے کی مدت اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت یہ 30 مہینے ہیں 30 مہینے پیٹ میں رہنے اور دودھ پلانا کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والوالدہ تو یہ رضینا اولادہن حولین کاملین مائیں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائیں گے تو آپ 30 مہینے کے اندر 2 سال کے 24 مہینے نکال لیں تو بقیہ کتنے مہینے رہتے ہیں 6 مہینے تو حضرت نے ثابت کر دیا کلام پاک میں جب اللہ نے کہا وہ حمل ہوں وہ پتال ہوں سلاطون شہرا کہ پیٹ کے حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوئی اور کلام پاک نے کہا عورت 2 سال تک دودھ پلائے گی تو 30 مہینوں میں 24 نکل جائیں گے
6 महीने हैं तो गोया हजरत अली ने जो फिरासत देखी है, आपकी होशियारी देखी है, तो आपने साबित किया कि 6 महीने का अमल सही हो सकता है। तो ये अगर रिश्ते हलाल हो, रिश्ते हलाल की बरकतों से अजीब अजीब मसाइल का हल निकलता है। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक बड़ा अजीब और गरीब वाकया पेश आया। एक साहब को अपनी बेटी की निकाह का मौका हुआ, शादी का मौका हुआ, वो अपनी बच्ची के ब्याह के लिए शायद ये औरतों के नाम पर लूटना मर्द जो है ये जो है शादी ब्याह पर जहेज वगैरह हो सकता है, बहुत सारे जमाने से जाहिलियत से राव ये कमाने के लिए निकले। बहरहाल कमाई थी और अपनी जो जमा पूंजी थी उसको लेकर ये पोटली में लेकर अपने मुल्क को वापस आ रहे थे। एक गांव में पहुंचे, वहां बताया, हजरत आप जितने में अल्लाह वाले मालूम होते हैं नमाजी काम कीजिए, एक मुसलमान की नमाज जनाजा में शरीक हो जाइए। नमाज जनाजा में शरीक हुए, तस्लीम में शरीक हुए, चले गए। आधा रास्ता जाने के बाद याद आया इनकी जो जमा पूंजी है वो कहीं खो गई, रुपया नहीं था, कहीं गुम हो गया। फिर अपने वो इलाके में जहाँ नमाज जनाजा पढ़ी तस्लीम के साथ शरीक थे, तो वहाँ इन्होंने बहुत तलाश किया तो कहीं उसका नामो निशान नहीं है। तो लोगों से पूछा, मालूम नहीं, किसी ने कहा मुमकिन हो तकसीम के वक्त यानी दफन के वक्त वो कोठरी खबर में रह गई हो। उलमाए किराम से मसला पूछा, उलमाए किराम ने कहा बच्ची की शादी का मसला, जाओगे पूछू होगी, खबर को खोदो, जैसे ही कोठरी मिले खबर को बंद कर दो। उलमा की इजाजत से खबर को खोदा गया, नई बात नहीं, कोठरी मिली नई बात नहीं, अजाब खबर हो रहा था और उस अजाब खबर के अंदर अंगारे जल रहे थे, इनका हाथ जल गया। तो चुनाचे खबर को बंद कर दिया और चीखो पुकार करने लगे, ये अंगार दुनिया की आग नहीं थी, ये अजाब खबर की आग थी। तो चुनाचे चीखो पुकार करने के बाद जब इस कोठरी को लेकर जब आए तो देखा जो गांव था वो शहर बन गया। ताज्जुब इस बात का नहीं कि कोठरी को इन्होंने उठाया या ये कि अजाब खबर का झटका इन्हें लग गया, ताज्जुब इस बात का है कि इस कोठरी को उठाने के बाद ये आबादी का नाम निशान बदल गया। अब भूख जोरों की लगी, अब इन्होंने पुला का नाम पुला का नाम पुला इलाका पुला किला, यार तुम कौन से जमाने की बात करते हो, 500-400 साल दबा खराब है, अभी तो कोठरी उठाने गया और अब 200-400 साल पहले की बात। तो बहरहाल भूख लगी, कोई रोटी नहीं दिया, सोचा कि कोठरी से पैसा तो निकालो रोटी खरीदने के लिए, और जो दुकान गया और दुकान में जाकर रुपया दिया तो दुकान वाला नीचे ऊपर देखने लगा, भाई किस कौम के आदमी है, किस जमाने के आदमी है, दमा खराब है, ये तो 300-400 साल जमाने का पहले का सिक्का है। तो यकीन आ गया, लोग कह रहे थे कि मैंने जिन लोगों का नाम लिया, मैंने जो मकानात की निशानियां बताई, मैंने जो इलाके बताए, वो 300-400, अब ये भी कह रहा है कि 400 साल पहले का सिक्का। सवाल ये कि खबर के अंदर जब आग का झटका लगा तो ये 400 साल बाद कैसे पहुंच गया, एक झटके से 400 साल बाद कैसे पहुंच गया, इसकी जिंदगी वही है और इसकी उम्र वही है। इंशाल्लाह हम इसका जवाब नई बातों के साथ अभी जमा देंगे। हाल दुआ करें अल्लाह तबारक ताला हमें जो है इससे हलाल नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामी वाग़निना बिफज़लिका अम्मन सिवा। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक ताला जो लाल मस्जिद है पाकिस्तान की मदरसा हमसा है, अल्लाह ताला उसे हमारे लिए नमूना बनाए, अल्लाह गैबी मदद और गैबी नुसरत उनके लिए नाज़िल फरमाए। आमीन। वाग़दान अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।